हाय फ्रेंड्स आज में आपको स्वामी एंड द सम चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं पहले अपलोड नहीं की थी तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ इसका क्वेश्चन आंसर को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका पहला क्वेश्चन नंबर वन कॉम्प्रिहेंशन का ये है कि पिक आउट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट टेल यू मतलब पहले तो आपको जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस का जो आंसर है मतलब कौन से आंसर में कौन से सेंटेंस में मिल पाएगा और उसके बाद उस सेंटेंस का एक्सप्लेन करना है आपको ये है क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का ये नहीं है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर नहीं लिखना है आपको पिक आउट द लाइन आपको लाइन सेंटेंस को स्टोरी से ढूंढ निकालना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है तो उसी तरीके से मैं आपको लिखी हूँ यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है वाई स्वामी फेल्ड देयर यहाँ पर जो फ्रेंड्स देयर है ये रॉन्ग है ये आप ठीक कर लीजिएगा ये दैट होगा तो पहला क्वेश्चन ये है क्वाए स्वामी फेल्ड दैट द प्रॉब्लम वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कौन सा सेंटेंस में आपको ऐसा लगता है कि स्वामी को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम एंड एवरी टाइम ही रीड इट इट सीम्ड टू एक्वायर अ न्यू मीनिंग ये सेंटेंस से देखिए ये सेंटेंस बुक का सेंटेंस है उसको आपको लेना है उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है स्वामी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सम स्वामी को मतलब वो जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसको समझने में उसको असफलता हो रहा था उसको समझ नहीं पा रहा था एज ए रिजल्ट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रोपोर्शन ऑन विच द सम वॉज़ बेस्ड उसको सिंपल प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में समझ में नहीं आ रहा था जिस बेस जिस चीज के ऊपर बेस करके वो क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कृष्णा एंड वाई स्वामी फेल्ड सॉरी फॉर हिम कृष्णा कौन था और स्वामी उसके लिए क्यों सॉरी फील कर रहा था रामा हैज़ टेन मैंगोस अब इसमें आपको पता चलेगा ये सेंटेंस में कि कृष्णा कौन है रामा हैज़ टेन मैंगोस विच ही वॉन्ट्स टू अर्न फिफ्टीन फ्रॉम विच ही वॉन्ट्स टू अर्न फिफ्टीन आनाज रामा जिसको टेन मैंगोज बेचने थे जिसमें से उसको फिफ्टीन आना चाहिए था कृष्णा वॉन्ट्स ओनली फोर मैंगोज बट कृष्णा को सिर्फ चार मैंगोज चाहिए थे हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे कृष्णा को कितना पे करना पड़ेगा तो इस सेंटेंस में हम लोग जान जान पा रहे हैं कि कृष्णा वॉज द कस्टमर ऑफ रामा इन द सम दैट स्वामीज़ फादर वॉन्टेड हिम टू सॉल्व जो सम जो क्वेश्चन दिए थे स्वामी के पापा स्वामी को उस क्वेश्चन में कृष्णा जो था रामा का कस्टमर था सम हाउ वन कुड नॉट हेल्प फीलिंग दैट ही मस्ट हैव बिन लाइक शंकर विथ हिज टेन आना टेन मैंगोस एंड हिज आयरन डिटर्मिनेशन टू गेट फिफ्टीन आनास तो और ये सेंटेंस में देखिए एंड हेयर स्वामीनाथन फेल्ड एंड अन अकाउंटेबल संपत्ति फॉर कृष्णा ये सेंटेंस से हम लोगों को ये पता चलता है कि स्वामी व सर्टन दैट रामा सर्टन जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग है श्योर है श्योर sure है कि रामा जो फ्रूट सेलर है द फ्रूट सेलर ऑफ मैंगोस इन द सम सब में जो फ्रूट सेलर हैं वज अनजस्टली मतलब अनजस्टली मतलब बेमानी से उसको मतलब कोई हिसाब नहीं है अनजस्टली ही डिमांड कर रहा डिमांडिंग ए हायर प्राइस फॉर द फ्रूट फ्रूट के लिए हाइयर प्राइस ज़्यादा प्राइस डिमांड कर रहा है एंड वज़ चीटिंग कृष्णा और वो कृष्णा को चीट कर रहा है द नेरेटर इंडिकेट दैट स्वामी हिमसेल्फ परसो हैड द सेम एक्सपीरियंस विद संकर अ लोकल सेलर ऑफ़ मैंगो इसमें नरेटर जो कहानी बोल रहे हैं हमको वो ये इंडिकेट ये बताते हैं कि स्वामी का भी ऐसी तरीके का सेम घटना हुआ था जिसमें कि उसको शंकर उनका जो एक लोकल सेलर ऑफ मैंगोस हैं उनके साथ इसी तरीके का सिचुएशन आ पड़ा था तो उसी सिचुएशन के साथ वो उसको आम, आम, सोचने का कोशिश कर रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स नंबर थ्री का क्वेश्चन ये है वैन स्वामीज़ फादर थ्रेटन थ्रेटन टू थ्रैश हिम एंड इफ ही एक्चुअली डिड सो कब ऐसा होता है कि ऐसा पता चलता है कि स्वामी के पापा उसको थ्रेश कर रहे होते हैं क्या और क्या है वो एक्चुअली करते हैं उनको उसको थ्रेश थ्रेश मतलब उसको पीटना फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गलती से फ्रेश लिख दी हूँ आप इसको थ्रेश कर दीजिएगा लुक हेयर बॉय आई हैव a माइंड टू थ्रेश यू ये सेंटेंस से हमको पता चलता है कि उसके पापा मन बना लिए हैं कि उसको पिटेंगे बोल के स्वामीज़ फादर वॉज एंग्री एट स्वामी कुड नॉट सॉल्व इज सिंपल सम स्वामी के पापा स्वामी के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो एक छोटा सा सिंपल सा सम नहीं कर पा रहा था He was trying to make Swami concentrate on the sum by threatening to hit him. वो चाह रहे थे कि स्वामी मैथ के ऊपर वो जो सम के ऊपर कंसंट्रेट करे ध्यान लगाए इसीलिए वो उसको धमकी दे रहे थे कि तुम अच्छे से उसको कर लो ध्यान दो इसमें हिज हैंड टुक स्वामीनाथन ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट और वो क्या करते हैं उनके हाथ से स्वामीनाथन के का कान को धीरे से हल्के से मरोड़ते हैं स्वामीज़ फादर हिज ईयर इंस्टेड ऑफ हिटिंग हिम इस सेंटेंस से पता चलता है कि स्वामी के पापा स्वामी को ओ मारने की वजह उन उसके कान को बॉक्स कर देते हैं बॉक्स मीन्स ट्विस्ट कर देना मोड़ देना वेर अकॉर्डिंग टू स्वामी वेयर अकॉर्डिंग टू स्वामी वॉज हिज फादर मोर लाइकली टू फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम तो स्वामी के हिसाब से उसको कहाँ लगता है कि उसके पापा को कहाँ पे मिल सकता है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहाँ पे मिल सकता है स्वामी के हिसाब से एनी वे इफ फादर वॉन्टेड सो बैडली टू नो इंस्टेड ऑफ़ हैरसिंग हिम लेटिंग लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट ये सेंटेंस से ऐसा फील होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है स्वामी डिजअप्रूव उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है डिजप्रूव कर रहा होता है तो निंदा कर रहा होता है कि मन ही मन में ऑफ़ द अर्जेंसी अर्जेंसी मतलब व्यस्तता क्या है uh, इतना जानने का विथ विच हिज़ फादर वॉन्टेड हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम इतना अर्जेंसी क्या है इतना अर्जेंटली क्यों उनको उसके पापा को लग रहा है कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए एज इज़ फादर रिफ्यूज़ टू टेल हिम इफ़ द मैंगोज वो राइप और अनराइप और उसके पापा उसको मना भी कर रहे हैं कि वो बोलेंगे भी नहीं कि पक्के जो मैंगोज हैं वो पके हुए हैं कि कच्चे कच्चे हैं स्वामी फेल्ट दैट ही वुड अनेबल टू अनेबल टू डिटरमाइन द प्रॉपर प्राइस ऑफ द मैंगो और इसी से स्वामी को ऐसा लगता है कि वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा मतलब बता नहीं पाएगा आ, निर्धारित डिटरमाइन मीन्स निर्धारित नहीं कर पाएगा जो राइप मैंगोस हैं कि अनराइप मैंगोस है उसके उसके हिसाब से उसका प्राइस उसको बता नहीं पाएगा द मार्केट प्लेस वुड बी द ओनली प्लेस वेयर हिज फादर कुड गेट टू नो द प्राइस ऑफ अ मैंगो और एक मार्केट प्लेस ये तो ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि उसके पापा को ओ, जो मैंगो है उसका करेक्ट प्राइस मिल पाएगा चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर फाइव का क्वेश्चन है व्हाई वाज स्वामी ब्लिंकिंग कंटिन्यूसली स्वामी क्यों अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था मीन्स uh, क्यों उसको बार बार uh, पलक झपका रहा था अपना आई एम गोइंग टू आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच ए सिंगल मैंगो कॉस्ट एट फिफ्टीन आनास फॉर टेन ये सेंटेंस से आया है वो क्वेश्चन का आंसर कि जब ये सेंटेंस बोला गया था तब स्वामी ऐसा हरकत कर रहा था स्वामी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द सम स्वामी को समझ नहीं आ रहा था को किस तरीके से सम को सॉल्व करे वो जो गणित है उसको किस तरीके से सुलझाए एज हिज फादर है ट्विस्टेड हिज ईयर अर्लियर और जैसे कि उसके पापा उसके कान को पहले ट्विस्ट कर चुके थे मरोड़ चुके थे ही वॉज़ ऑल्सो फ्राइटन वो बहुत डरा भी हुआ था नंबर सिक्स का क्वेश्चन ये है कि इफ़ स्वामी वॉज फाइनली एबल टू सॉल्व द सम एंड वाई ही बर्स्ट इन टू टीयर्स एट द एंड कौन क्यों स्वामी मतलब इफ़ स्वामी फाइनली क्या लास्ट में स्वामी एबल रहता है मतलब उसका जो सम को वो सॉल्व कर पाता है और क्यों वो लास्ट में रो पड़ता है इट इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट स्वामीनाथन अनाउंसड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगोनी कृष्णा मस्ट पे सिक्स आनास तो ये सेंटेंस इसका आंसर आया है जिसको एक्सप्लेन किया गया है स्वामी वॉज अनेबल टू तो सॉल्व द सम स्वामी सम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था ही वॉज क्राइंग विथ रिलीफ एज ही वॉज फाइनली एबल टू सॉल्व द सम आफ्टर अ लॉन्ग हैरोइंग एक्सपीरियंस और बाद में वो इसीलिए रो पड़ा क्योंकि वो एक तो रिलीफ का रोना था मतलब वो निश्चिंत होकर रो रहा था क्योंकि हाफ एन आवर का जो उसका हेरोइंग एक्सपीरियंस था हेरोइंग यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब है डिस्ट्रेसिंग आवर्स परेशान करने वाला जो वक्त है उसका एक्सपीरियंस उसके बाद वो आंसर को जान पाया इसीलिए बहुत वो खुशी से रो पड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स नंबर बी जो है ये एक्स्ट्रा ट्वाइस क्वेश्चन आंसर है पहला सेंटेंस ये है फादर विल टेल मी इफ़ द मैंगोज वर फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज़ वर राइप इस सेंटेंस से क्वेश्चन ये आया है हाउ डज़ स्वामी इज़ फ़ादर रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सुनने के बाद स्वामी के फादर किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स होता है किस तरीके से वो बिहेव करते हैं उसके बाद This question. This question uh, स्वामी फादर वॉज अम्यूज बाय दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन से स्वामी के पापा बहुत ही अम्यूज सा uh, शो बिहेव शो करते हैं अम्यूज मतलब थोड़ा सा हल्का सा उनको हंसी आ जाता है फनी लगता है उसको उनको ये क्वेश्चन सरपासिंग सप्रेसिंग इज स्माइल वो आ, सप्रेस कर रहे होते हैं सप्रेस मतलब दबाना मतलब अपना स्माइल को वो रोकने का ताकि अगर वो उसके सामने हंस पड़े तो वो सोचे करके पापा सीरियस नहीं है तो मजाक में ले लेगा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करेगा तो वो अपना हंसी को दबाने का कोशिश करते बोलते हैं ही टोल्ड स्वामी दैट ही वुड आंसर दिस क्वेश्चन लेटर और इसी यही मतलब अपना हंसी को रोकते हुए बोलते हैं कि वो इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे वज स्वामी सेटिसफाइड विद फादर सेंसर हाउ डू यू नो क्या स्वामी सेटिसफाई होता है कि पापा के सेंसर से और um, um, हमको कैसे पता नो एक्चुअली में वो नहीं होता है सेटिसफाई और हम लोग को इससे पता है द लाइन ये लाइन सजेस्ट करता है कौन सा लाइन सजेस्ट करता है इफ ओनली फादर वुड टेल हिम वेदर रामा वज ट्राइंग टू सेल राइट मै राइ और अनराइप वॉन्स अगर पापा मुझको बोल देते कि रामा आ, जो है वो क्या चीज कैसा मैंगो बेचने कैसा फ्रूट बेचने का कोशिश कर रहा था कि राइप वाला पका हुआ या फिर अनराइप मतलब बिना पका हुआ कच्चा वाला फ्रूट बेचने का कोशिश कर रहा है ऑफ वॉट यूज़ इट टू बी टेल हिम आफ्टर वर्ड्स प्रूव दिस और क्या फ़ायदा कि वो अगर बाद में बाद में बताए तो इस बात का क्या फ़ायदा होगा इस सेंटेंस से हमको पता चलता है कि स्वामी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ था उसके पापा के आंसर से विच सेंटेंस इज द स्टोरी पॉइंट आउट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्वामी टू नो इफ़ द मैंगोज व राइपर नॉट वॉट डू यू वॉट डू द टेल यू अबाउट स्वामीज़ नेचर तो इस सेंटेंस में आपको कौन सा जो सेंटेंस है वो पॉइंट आउट करता है कि आ, स्वामी के लिए बहुत जाना ज़रूरी है कि मैंगोज जो हैं वो राइट हैं कि नहीं है ये जाना बहुत ज़रूरी कौन सा सेंटेंस ये शो करता है और इससे आपको क्या पता चलता है कि स्वामी का नेचर कैसा है ही फिल्ट स्ट्रॉगली दैट द एंसर टू दिस क्वेश्चन कंटेंट द एंस कंटेंट द की टू दा होल प्रॉब्लम उसको ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्गली लगता है मतलब बुर तो सटीक से लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर इसी सेंटेंस के ये जो सेंटेंस अगर पके हैं कि नहीं पके हैं मैंगोज इसी के ही अंदर में हैं इट वुड बी स्कैंडलुअस टू एक्सपेक्ट फिफ्टीन आनाज फॉर टेन अनराइप मैंगोज़ ये बहुत ही स्कैंडलुस स्कैंडलुअस मतलब बहुत ही गलत बात होगा मतलब uh, मैंने मॉरल के हिसाब से बहुत ही गलत बात होगा अगर वह अनराइप मैंगोज़ के लिए मतलब कच्चे मैंगोज़ के लिए फ़िफ्टीन आनाज डिमांड कर रहा है तो द लाइन इंडिकेट्स दैट ये ये जो लाइन है ये इंडिकेट करता है दैट स्वामी वाज गुड नेचर अच्छा नेचर का लड़का है सिंपल बॉय है हु वाज मोर कंसर्न विद द जस्टनेस ऑफ द प्राइस ऑफ द वो मतलब जिससे कि जिसको कि ये जस्टनेस um, जस्टनेस मतलब एक्यूट एग्जैक्टनेस ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्रूट्स इन रियल लाइफ एंड सॉल्विंग एरेथमेटिक प्रॉब्लम मतलब उसको मतलब लाइफ में जो चीज़ है वो ज़्यादा मायने रखता है वो उसको एरेथमेटिक प्रॉब्लम को करने से ही सीम्स टू बी इन एटेंटिव और वो ये भी देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही इन एटेंटिव है मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है क्योंकि वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा था मैथ में और वो रियल लाइफ के दुनिया में चले जा रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर टू का क्वेश्चन है गेट द स्लेट हेयर आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ यह सेंटेंस से क्वेश्चन आया है वाई डिड फादर से दिस वॉट डिड स्वामी डू इमीडिएटली ये सेंटेंस पापा फादर जो हैं क्यों बोले थे और उसके बाद स्वामी क्या कर क्या किया फादर सेट दिस वैन स्वामी सेट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द सम इफ दे वेर नॉट एज दे व नॉट टॉट सिंपल प्रपोर्शन एट अ स्कूल उसके पापा इसलिए ऐसा बोलते हैं कि कि जब स्वामी बोलता है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग को स्कूल में सिंपल प्रपोर्शन सिखाया नहीं गया है और वाट डिड स्वामी डू इमीडिएटली उसके बाद स्वामी क्या करता है स्वामी फर्मली बिलीव डेट द सम कूड नॉट बी सॉल्वड Uh, स्वामी को बहुत ही फर्मली मतलब पूरा uh, गहराई से ऐसा लगता है कि पूरा कठोर से ऐसा uh, लगता है कि ठोस से लगता है कि उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है वेन हीज फादर सेट दैट द सम कुड भी सॉल्व जब उसके वो बोल उसके पापा बोलते हैं कि सॉम को सॉल्व किया जा सकता है ही बिगेन टू वेट टू सी हाउ हिज़ फादर मेड द सम मेड द इम्पॉसिबल हैपन और जब उसके पापा बोलते हैं कि मैं सॉम को सॉल्व कर सकता हूँ तब वो वेट कर रहा होता है कि देखने के लिए कि यह इसे इम्पॉसिबल चीज को कैसे किया जा सकता है हाउ डिड ही ट्राई टू एक्सप्लन द प्रॉब्लम टू स्वामी किस तरीके से उसके पापा एक्सप्लेन करते हैं uh, वो उस प्रॉब्लम को स्वामी को स्वामी इज़ फादर ट्राई टू तो ब्रेक द सम डाउन इन पार्ट्स टू तो एक्सप्लेन इट एक टू तो हिम स्वामी के पापा क्या करते हैं वो सम को डिवाइड um, कर देते हैं अलग अलग कर देते हैं पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं ताकि स्वामी उसको समझ पाए ही हैड टोल्ड स्वामी प्रीवियसली दैट द सम वाज ऑन सिंपल प्रोपोर्शन पहले तो उसके पापा उसको बताए रहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल प्रोपोर्शन के ऊपर है वेन स्वामी स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड और जो जब स्वामी फिर भी मतलब समझने से उसको फेल हो जाता है समझ नहीं पाता है ही आज स्वामी टू कैलकुलेट हाउ मच फोर आनास वुड कॉस्ट वो बोलते हैं कि स्वामी को कैलकुलेट करने के लिए कि फ़ोर आनास का कॉस्ट कितना होगा स्वामी स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द सम और फिर भी स्वामी को समझ नहीं आ रहा था कि सम को कैसे सॉल्व करे एट दिस पॉइंट ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्विस्टेड स्वामीज हयर और इसी समय क्या होता है इतना अच्छे मतलब पार्ट बाय पार्ट समझाने के बाद भी उसके वो समझ नहीं पा रहा होता है इसलिए उसके पापा को ही लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो क्या करते हैं स्वामी कान को ट्विस्ट कर देते हैं मोड़ देते हैं हाउ डिड फादर सक्सीड इन मेकिंग स्वामी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द सम किस तरीके से पापा मतलब जो फादर है वो सक्सीड हो जाते हैं सफल हो जाते हैं स्वामी को क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कराने में फादर अल्टीमेटली हैड टू टेल स्वामी द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल मैंगो और अल्टीमेटली लास्ट में उसके पापा को थक हार के उसको उनको स्वामी को एक मैंगो का प्राइस कितना है वो बताना पड़ा देन देन ही देन टोल्ड स्वामी टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन उसके बाद स्वामी को बोले उसके पापा कि अभी इस एक्सप्रेशन को तुम सिंप्लीफाई करो नंबर थ्री का एक्सट्रैक्ट ये है द होल ब्रूड ऑफ रामा सेंट क्रिस्नास विद देयर एंडलेस ट्रांजेक्शन एंड विद ऑड क्वांटिटीज ऑफ मैंगो एंड फ्रैक्शन ऑफ मनी वर गेटिंग डिस्गस्टिंग ये सेंटेंस से क्वेश्चन है वाई व स्वामी डिसगस्टेड उसको डिसगस्टेड क्यों फील हो रहा था उसको निराशा डिसगस्टेड मतलब है निराशा क्यों फील हो रहा था मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उग गया था वो क्यों उग गया था स्वामी वॉज डिसगस्टेड बिकॉज ही वॉज अप विथ हिज फादर इंसिस्टेंट दैट ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम स्वामी के स्वामी जो था वो डिस्गस्ट हो चुका था क्योंकि बिकॉज ही वॉज अप वो फेड अप हो चुका था फेड अप मतलब उग जाना तंग आ जाना तंग आ गया था कि विथ हिज फादर्स इंसिस्टेंस इंसिस्टेंस का मतलब है डिमांड कि उसके पापा का जो डिमांड है दैट ही सॉल्व द प्रॉब्लम के स्वामी को स्वामी यहाँ पे ही है सॉल्व द प्रॉब्लम कि वो सॉल्व करेगा वो प्रॉब्लम को हाउ डिड हाउ डिड हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू वर्क आउट द सोल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम आफ्टर दिस और इसके बाद वो टोटल कितना टाइम लगा है वो सम को सॉल्व करने के लिए टोटल हिट फोर्टी फाइव मिनट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर दिस उसके बाद उसको फोर्टी फाइव मिनट्स लगे थे सम को सॉल्व करने के लिए वॉज द वॉट वॉज द एंसर टू द प्रॉब्लम वॉज द एंसर करेक्ट वो क्वेश्चन का जो आंसर प्रॉब्लम का जो आंसर क्या था और क्या वो करेक्ट था दोल्यूशन दैट स्वामी वर्कड आउट टू द प्रॉब्लम वॉज दैट कृष्णा वुड हैव टू पे सिक्स आनार्स टू कृष्णा uh, फ्रेंड्स यहाँ पे ए, मैं गलती से यहाँ पे कृष्णा लिख दी हूँ यहाँ पे कृष्णा नहीं यहाँ पे रामा होगा कृष्णा है कृष्णा को देना था सिक्स आना रामा को रामा को फॉर फोर मैंगोस फोर मैंगो के लिए द आंसर वॉज करेक्ट और वो जो आंसर था वो करेक्ट था फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर में आते हैं फ्रेंड्स ये थिंक एंड आंसर है क्वेश्चन थोड़ा लंबा है सुनिएगा स्वामी फादर फ्रिक्वेंटली लॉस्ट हिज टेम्पर उसके पापा का मतलब टेम्पर बहुत ही ए, स्वामी के पापा का टेम्पर बहुत ही मतलब जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है डू यू थिंक हिज एंगर वॉज़ फेयर क्या आपको लगता है कि उनका जो एंगर है उनका जो गुस्सा है वो फेयर था मतलब जायज़ था और वुड यू सजेस्ट डिफरेंट अप्रोच टू टीच मैथ्स टू स्वामी हुज़ ऑलरेडी टेरिफाइड ऑफ द सब्जेक्ट एक्सप्लेन और अम, और वुड यू सजेस्ट या फिर कोई आप आपको उनको सजेस्ट देना चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से वो अगर स्वामी को टीच करते जो कि पहले से इतना डरा हुआ है इतना सब्जेक्ट से भी पहले डरा हुआ है और उसको डरा धमका के समझाने से अच्छा है कोई और भी तरीके से अगर समझा सकते तो आंसर है इसका स्वामीज़ फादर लॉस्ट हिस्स अटेम्पर ए स्वामी वॉज बींग इनटिव स्वामी के पापा जो है वो उनको गुस्सा आ जा रहा होता है क्योंकि स्वामी जो है एकदम इनएटेंटिव है इनएटेंटिव मतलब जो एकदम बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है ही हैड already told Swami that the problem was based on simple proportion, and expected Swami to work the solution out of his own. और जो कि वो पहले ही क्योंकि वो पहले ही बोल चुके थे कि जो क्वेश्चन है वो सिंपल प्रोपोर्शन के ऊपर बेस करके हैं और उसके बाद वो ये चाह रहे थे कि स्वामी जो क्वेश्चन का आंसर है अपने ही ही ऑन हिज़ ओन मतलब अपने ही वो क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करे वेन स्वामी डिनाइड एनी नॉलेज ऑफ सिंपल प्रोपोर्शन ही ट्राई टू एक्सप्लेन द सम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इन पार्ट लेकिन जब स्वामी डिनाई कर दिया कि उसको सिंपल प्रोपोर्शन का नॉलेज ही नहीं है तो उसके पापा उस क्वेश्चन को मतलब ब्रेक करके उसको समझाने का कोशिश किए स्वामी स्टिल फेल टू अंडरस्टूड अंडरस्टैंड फिर फिर भी स्वामी जो था वो नहीं समझ पा रहा था दिस इज वहन इज फादर लॉस्ट इज टेम्पर और इसी टाइम में ही स्वामी के पापा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है इंस्टेड ऑफ़ ट्राइंग टू फोर्स स्वामी टू तो आंसर लेकिन Uh, स्वामी को फोर्स करने के नहीं करके अगर वो टू uh, आंसर uh, मतलब क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हिज फादर कुड हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन अगर मतलब उसके पापा उसको रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर एग्जाम्पल दे के उसको अगर समझाने का कोशिश करते तब वो ज़्यादा हो, अच्छा होता स्पेशली बिकॉज स्वामी वॉज थाटफुली कंसिडर क्योंकि स्वामी जो है वो बहुत ही थाटफुली बहुत ही ज़्यादा सोचता है कंसिडरिंग वेदर द प्राइज ऑफ द मै mangoes were just uh, if uh, rama uh, in the um, problem was exactly like um, शंकर के जो मैंगो का प्राइस है वो जो जस्ट है कि राइट right है कि नहीं है और वो जो आ, रियल लाइफ जो क्वेश्चन में जो रामा है वो एग्जैक्टली exactly शंकर के जैसा है वो इस सब सोचने में ध्यान दे रहा है तो उस इसलिए उसको वो ऐसे एग्जाम्पल दे के उनको समझाना शंकर जो कि नेबरिंग फ्रूट सेलर है ही हैड ही डन सो स्वामी वुड हैव ग्रेफस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सम इजीली एंड सॉल्व ऑन हीज ओन अगर उस तरीके से उसको समझाते उसके पापा तो वो अच्छे तरीके से उसको ग्रेफ्ट कर लेता ग्रेस्ट मीन्स पकड़ पाता मतलब अंडरस्टैंड कर पाता और अपने आप को ही अपने आप में ही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता नंबर टू का क्वेश्चन है वॉट कैन यू कंक्लूड अबाउट स्वामीज़ करेक्टर फ्राम द स्टोरी क्या तुम मतलब क्या कंक्लूड करते हो स्वामी की जो स्टोरी है ये जानने की बात यूज एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आइडियाज़ फ्रेंड्स ये आप और भी थोड़ा लेंदी बना सकते हैं क्वेश्चन को बट ये ऑलरेडी लेंदी है तुम इसको और लेंदी नहीं बना रही हो इतना ही रहने दे रही हो अदरवाइज़ आप स्टोरी में जितना लास्ट तक आप आ रहे हैं तो उसकी उसमें उसके करेक्ट्रिस्टिक्स और भी थोड़े डेवलप और भी थोड़े दिखाए गए हैं तब उसको और भी चाहे तो लम्बा कर सकते हैं बट आई वॉन्ट टू कीप इट दिस शॉर्ट ओनली स्वामी लाइक्स स्पेंडिंग हिज समर वेकेशन बाय प्लेइंग स्वामी चाह रहा होता है कि वो अपना समर वेकेशन गर्मियों का छुट्टी खेलने में बिताएं When हिज फादर टेल हिम tells him to bring his book on uh, to his room, however he obediently do so। जब उसके पापा बोलते हैं उसको लेके आओ अपना जो बुक कॉपी किताब मेरे रूम में और वो obediently मतलब आज्ञाकारी हिसाब से वो कर भी देता है इट टेक्स हिम हाफ एन आवर टू गेट हिज बुक विच इंडिकेट्स दैट ही डज सो अनविलिंगली लेकिन वही करते के लिए कॉपी किताब लाने के लिए उसको थर्टी मिनट्स लग जाते हैं इससे हमको पता चलता है कि वो अनविलिंगली uh, मतलब um, इच्छा नहीं होने के uh, जैसा काम कर रहा है मतलब करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है As he neither protests against his father's order nor tries to quarrel, he seems to be fearful of his father's authority. और जैसे कि वो अपने पापा का मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं करता है अगेंस्ट में भी नहीं जाता है और ना ही उनसे झगड़ा करता है क्वारल मीन्स झगड़ा करना होता है और ऐसा लगता है कि वो अपने पापा से फियरफुल है डरता है थोड़ा सा उनके अथॉरिटी से उनके ऑर्डर से स्वामी डज़ नॉट सीम टू तो लाइक मैथमेटिक्स एंड पर्टिकुलरली डिसलाइक फ्रैक्शन उसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है और पर्टिकुलरली उसको फ्रैक्शन पसंद नहीं है दिस इज़ वाई ही फील्स दैट ही हैड ए स्टेप इन टू ए फीयरफुल मेज एवरी टाइम ही रीड द सम और इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि वो फियरफुल मेज में एक फेयरफुल मेज मतलब तो एक भूल भुलाइया में पैर रख दिया है जैसा जब भी वो क्वेश्चन को पढ़ता है इमिडिएटली ऑलमोस्ट ही बिगेन टू कंपेयर द फूड सेलर इन द सम विथ हिज रियल लाइफ काउंटर पार्ट शंकर काउंटर पार्ट का वर्ड का मीनिंग है एग्जैक्टली exactly सेम इक्वल टाइप का इंसान जब भी जैसे वो क्वेश्चन पढ़ता है और वो पढ़ता है रामा के बारे में जो कि फ्रूट सेलर होता है उसको एग्जैक्टली exactly वो समझने लगता है कि वो शंकर जैसा है इक्वल है समान बराबर है हीज़ इमेजिनेशन इज सो रियलिस्टिक दैट ही फ गोस्ट दैट ही हैज़ टू सॉल्व द सम एंड एस्टिमेट्स रामा एज ए ए डिजोनेस्ट मैन वो इमेजिनेशन अपने इमेजिनेशन में इतना ही खो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि उसको सॉल्व सॉल्व करना है और वो एस्टिमेट करने लग जाता है कि रामा एक बेईमान मतलब डिजोनेस्ट इंसान है मतलब बेईमान टाइप का है, इंसान है वो सोचने में वो ज़्यादा ध्यान देने लगता है ही वॉज आउट रेस्ड ऑन कृष्णास बिहाफ ऑन कृष्णास बिहाफ फॉर ही इज़ बीग एक्सप्लोटेड बाय रामा वो आउटरीज हो जाता है बहुत गुस्से में आ जाता है कृष्णा के बिहा में कृष्णा के बदले क्योंकि वो रामा जो है उसको एक्सप्लोयट कर रहा होता है मतलब उसका फ़ायदा उठा हो रहा होता है इन द सेम वे और सेम तरीके से एज स्वामी हिमसेल्फ इज एक्सप्लोयटेड बाय शंकर और जिस तरीके से स्वामी एक्सप्लोइट हुआ था फाय मतलब जिस जो शंकर जो है फ्रूट सेलर उसको फ़ायदा उठाया था उस तरीके से वो भी आम, रामा जो है कृष्णा का फ़ायदा उठा रहा है वो उसमें उलझ जाता है उसमें सोचने लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन का आंसर दे दी हूँ आपको नंबर ए में करना है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन फ्रेज है कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है कौन सा एडवर्ब फ्रेज है और कौन सा प्रपोजिशनल फ्रेज है उसको आपको साइड में इस तरीके से लिखना है और नंबर बी का कहा गया है जो बॉक्सेस में से आपको एक एक फ्रेज़ लेना है और उसका एक सेंटेंस बनाना है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेंटेंस बना के रख दी हूँ आपको कोई और भी वर्ड से सेंटेंस बनाना है तो आप दूसरे वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं और फ्रेंड्स उसके बाद मैं वोकेबलरी का आंसर दी हूँ और इसके बाद नीचे लास्ट तरफ में मैं पंचुएशन का भी दी हूँ जो कि एकदम लास्ट में लिखा गया है फ्रेंड्स पंचुएशन में ये दिया गया है कि कहाँ पे इन्वर्टेड कमा राइटली यूज़ किया गया है वहाँ पे आपको टिक मारना है और जो ऑल्ट्रेट जो नहीं किया गया है जिसका नंबर मेंशन नहीं है मतलब वो रॉन्ग है फ्रेंड्स यहाँ पर राइटिंग का जो रिव्यू है राइट रिव्यू इन थ्री वर्ड्स ऑफ एनी Uh, book that you रीड्स recently remember that you have to book ए बुक रिव्यू मस्ट इंक्लूड आपको यहाँ पे क्या करना है राइटिंग में आपको एक बुक बुक रिव्यू देना है थ्री हंड्रेड वर्ड्स का तो यहाँ पे एक ठो लिखा गया है आप इसको भी नोट no डाउन कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से कुछ दूसरा भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच